सुपरस्टार अक्षय कुमार नीरज पांडे की किस फिल्म में नजर आने वाले हैं? कैसे है ये फिल्म पीएम मोदी से संबंधित? नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव शर्मा आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्राड स्टूडियोज के आशियाने में। सुपरस्टार अक्षय कुमार एक से बढ़कर एक धमाकेदार फिल्में लगातार कर रहे हैं और इस समय कई फिल्मों को लेकर चर्चा में भी हैं। अब जो खबर आ रही है वो अक्षय कुमार के फैंस को फिर से खुश करने वाली है, क्योंकि अब वो एक रियल लाइफ जिंदगी का किरदार निभाने जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं पीएम मोदी के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल के बारे में। खबर है कि निर्देशक नीरज पांडे अजित डोभाल के ऊपर एक फिल्म बनाने जा रहे हैं जिसमें अक्षय कुमार मुख्य भूमिका में नजर आ सकते हैं। इस फिल्म के बारे में पूछे जाने पर नीरज का कहना था कि वो पहले फिल्म चाणक्य की शूटिंग खत्म करेंगे और बाद में इस फिल्म पर काम करना शुरू करेंगे। सुपरस्टार अक्षय कुमार की बात करें तो वो एक समय में कई फिल्में करते हैं और उनको समय पर पूरा भी करते हैं। उनकी आखिरी रिलीज फिल्म केसरी ने रिलीज होकर धमाका कर दिया था और फिल्म ने काफी शानदार बिजनेस भी किया था। इस समय वो फिल्म मिशन मंगल के प्रमोशन में व्यस्त हैं, जिसमें इनके साथ कई शानदार एक्टर्स नजर आने वाले हैं। हाउसफुल की चौथी फिल्म हाउसफुल 4 भी काफी चर्चा में है। आपको बता दें कि फिलहाल फिल्म की शूटिंग चल रही है। अब बात करते हैं वो फिल्म जो सबसे मजेदार होने वाली है, वो है रोहित शेट्टी की फिल्म सूर्यवंशी। अगले साल यानी कि 2020 में रिलीज होगी। फिल्म का फर्स्ट लुक आ चुका है। एक और फिल्म दिलचस्प है, फिल्म लक्ष्मी बम में अक्षय कुमार नजर आएंगे। उनके लुक ने तो धमाका ही कर दिया है। ये फिल्म कंचना 2 की रीमेक होगी। तो दोस्तों, जहां पर अक्षय कुमार एक साल में इतनी फिल्में लेकर आते हैं, 3 से 4 फिल्में लेकर आते हैं, तो ऑब्वियसली वो इस वक्त टॉप पर बने हुए हैं। इस मामले में आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। खुदा हाफिज़।